तो ब्रो कैसे हो तुम लोग। फाइनली राम सेतु मूवी हो चुका है रिलीज थिएटर में, और मैं जानता हूँ कि मैं बहुत लेट हूँ क्योंकि मैं दिवाली के काम पे थोड़ा बिजी था। तो भाई अक्षय कुमार की इस साल की 5वीं मूवी है। तो कैसी है मूवी, आइए बात करते हैं। स्टोरी बहुत ही सिंपल है कि गवर्नमेंट को राम सेतु को तोड़ना है, इसलिए वो एक आर्कोलॉजिस्ट को हायर करते हैं कि लोगों को बताने के लिए कि राम सेतु को राम ने नहीं बनाया था। फिर अक्षय सर के कैरेक्टर को धीरे धीरे बहुत से चीजों के बारे में पता चलता है जिससे कि उसका जिंदगी बदल जाती है, जो कि आपको मूवी देखने के बाद पता चल जाएगा। तो देखो मूवी के VFX बहुत ही ज्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ही ज्यादा बुरी भी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ जगह में ग्रीन स्क्रीन दिख जाता है, बट 500 करोड़ की मूवी से तो बेहतरी है। जैसे कि नेचुरल ब्यूटी बहुत ही अच्छा था, बट सूट का CGI काम चलाओ है, और अक्षय सर के एक्टिंग ठीक ठाक था, और जैकलीन का कैरेक्टर सेम जैसा ही है जैसे कि वो सभी मूवी में आती है और चली जाती है। इस मूवी में भी वो आई और चली गई, उसके कैरेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक चीज मूवी में मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि एक भी सॉन्ग नहीं था, जिससे कि मूवी की स्टोरी भटकती नहीं है। और मूवी के थोड़ा रिमिक्स रिएक्शन होगा, किसी किसी को पसंद आएगी और किसी किसी को नहीं। अगर आपको एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी अच्छी लगती है तो हाँ ये मूवी आप देख सकते हो, बट ज्यादा उम्मीदें लेके नहीं जाना, सिर्फ मूवी देखो और भूल जाओ। मैं इस मूवी को दूंगा 10 में से 7 रेटिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नए रिव्यू में। Peace.